हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9th यूनिट 1 संख्या पद्धति। और हम करें नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6। और 1.6 का हम यहाँ पर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, राइट। लेकिन अगर आपको पहला क्वेश्चन आपको देखना है और इसके बारे में, क्योंकि देखो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ इसके नियम है, राइट, कुछ इसके रूल्स हैं, जो कि मैंने इसके पिछले वीडियो में, ये जो बेसिक फंडामेंटल का पिछला वीडियो था उसमें मैंने इसको बिल्कुल क्लियर किया है, इसके सारे रूल्स को। तो आप इससे मेरा पिछला जो वीडियो है, यानी बेसिक फंडामेंटल के लिए 1.6 के जो बेसिक फंडामेंटल के लिए, प्लीज इससे मेरा पिछला वीडियो आप जरूर देखें, तो आपके लिए ये क्वेश्चन समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, 9 की पावर 3/2, राइट। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है मतलब सरल करना है, ज्ञात इस तरीके से। तो हम इसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा 3 की पावर 2, राइट, 3 की पावर 2, यानी आपके पास ये क्या हुआ, 3/2, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जो बेस है ना, अब बेस की, ये जो बेस है और ये पावर है, तो पावर की पावर जब आपस में मल्टी, तो बेस अंदर रह जाता है और जो उसकी पावर है बाहर वाले पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी यहाँ पे जो हमारा रूल लागू हो गया वो ये लागू हो गया कि ए पी, और अब अगर बाहर क्यू हो तो ए अंदर रह जाता है और ये पी क्यू बन जाता है, राइट। तो ये देखो, ये जो बेसिक मैंने, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ये जो बेसिक फंडामेंटल लिखा है मैंने, अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, मेरे से पिछला वीडियो आप जरूर देखें, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 2 से 2 कटेगा, आपके पास ये आ गया 3 की पावर 3, और 3 पावर 3 का मतलब 3 गुना में 3 गुना में 3, और आपके पास क्या हो, 27 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 32 की पावर 2/5, राइट। तो 32 की पावर 2/5 है, तो मैं क्या करूंगा, इसका फिर से उसी तरीके से 2 की पावर 5 लिखूंगा और 2/5 लिखूंगा। देखो 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुना में 2 को कितनी बार, 5 बार लिखना। 2 की पावर जब हम 5 बार लिखते हैं, 2 गुना में 2 गुना में, तो क्या आता है, 32 आता है। अब मैं क्या करूंगा, 2 अंदर रह जाएगा और ये 5 गुना में 2/5 ये बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप फिर से लिख कर दिखा सकते हो, एग्जाम में अगर आप ये लिख दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उस बच्चे ने बिल्कुल गहराई से इसका स्टडी किया हुआ है, इन सारे फार्मूलों को देखा हुआ है और उसके बेसिस पे ही सवाल को वो क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। तो ये एग्जामिनर के लिए और एग्जामिनर की निगाह में आपके लिए एक अच्छा सा क्रेडिट बनाने के लिए आपको इनको लिख देना चाहिए। तो 2 की पावर क्या बन गया, 2 की पावर 2, तो ये 2 दुनी क्या हो जाएगा आपके पास, 4। आपके पास इस तरीके से यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अगर यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन और मैं बात करूं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन आपके पास 16 की पावर 3/4, तो 16 की पावर 3/4 का मतलब क्या होगा, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और इस तरीके देखो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 करोगे 4 बार, तो ये हो जाएगा आपके पास 16। तो 2 अंदर रह जाएगा और 4 बाहर आकर इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गुना में 2 गुना में 2 लिखकर आप क्या लिख सकते हो, 8 आंसर लिख सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास फिर से वही फार्मूला लग गया आपके पास, तो ये मैं बार बार अब लिखूंगा नहीं, आपको बात समझ में आई गई होगी कि इस तरीके से आपके पास ये जो ए की पावर पी है उसके भी बाहर पावर होता था, तो ये जब बेस अंदर रहता है तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पर, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, देखो यहाँ पर 125 की पावर -1/3, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3, राइट। तो -1/3 और ये 5 बाहर आकर क्या करेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला रूल आप वापस लिख लेंगे, राइट, और 3 से 3 कट जाएगा, देखो 5 की पावर क्या आ गया, -1। और अगर जब 5 की पावर -1 होता है तो इस जो पावर है उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है, इस जो माइनस का पावर माइनस को हटाना पड़ता है। जब माइनस को इस पावर को, इस पावर से माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो अंदर जो बेस बना हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो 5 के नीचे देखो कुछ नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर 1 प्लस हो जाएगा, और 1 हम अलग से दिखाते नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/5, राइट। तो अभी मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कहता सरल करो, सरल करो में हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, और आप देखो 2 की पावर 2/3 और
बीच में डॉट है तो उसको गुना का निशान के रूप में भी आप दिखा सकते हो, नहीं तो डॉट भी लिख कर दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं, इसका जो बेस है वो बिल्कुल सेम है। तो बेस को ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करते हैं, बेस को एक ही बार लिखते हैं, और इनकी जो पावर होती है आपस में क्या होती है, वो एड हो जाती है, राइट। इसकी पावर क्या होती है आपस में, क्या होती है यहाँ पे, एड हो जाता है अगर आपके पास बेस क्या हो, सेम हो, राइट। तो बेस एक बार लिखो तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसके पावर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, इसका एलसीएम 3 5 15, तो 3 5 15 तो 5 2 10, और 5 3 15 तो 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर आ गया आपके पास 13/15। दिस इज द राइट आंसर आपके पास। और यहाँ पर आपको दिखाना है तो आप रूल लिख के दिखा सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर रूल अप्लाई किया वो क्या रूल अप्लाई किया, ए की पावर पी और यहाँ पे ए की पावर क्यू। तो जब आपके पास बेस सेम था तो क्या हो गया, आपने इस पावर को क्या किया, आपने यहाँ पर आपस में इसको पावर को, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है, अगर पावर अलग अलग है तो, राइट है। यहाँ पे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पर, तो दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके से, आपके पास एक बट्टा 3 की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 7। तो देखो यहाँ पे जो 7 है ना, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है और ये जो है वो 3 की पावर 3 है उसके लिए भी है, राइट। तो 1 की पावर 7, 1 की पावर कितनी भी हो, तो एक देखो 1 की पावर कितनी भी हो, 1 ही आता है। वो कैसे, देखो 1 की पावर 7 का मतलब क्या है कि 1 गुना में 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 1, इस तरीके से करते हैं 7 बार। तो देखो मैंने 7 बार किया तो 1 गुना में 1 एकम में 1 एकम में 1, तो 1 ही आएगा अल्टीमेट। कई बच्चे गलती से क्या करते हैं ना, 1 की पावर 7 को 7 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। 1 की पावर कितनी भी हो वो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। तो यहाँ 1 आ गया और ये क्या आ गया, देखो यहाँ पर बेस सेम है और पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 3 गुना में 7 हो जाएगा। तो 1 की पावर क्या होगा, 3 की पावर कितनी होगी, 7 3 21। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4th की, तो देखो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखो 11 की पावर 1/2 और नीचे भी 11 की पावर 1/4 है। तो देखो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, देखो अल्टीमेट बेस क्या है, सेम। तो बेस को आपको एक बार लिखना है, और जो पावर क्या होती है तो बटे में होती है, उसकी जो ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर क्या करना होता है, घटाना होता है। और यहाँ पर अगर आप दिखाना है तो आप रूल भी दिखा सकते हो कि जो अगर 1 बार p और 1 बार q है, तो आपके पास 1 बार बेस लिखकर p - q करना होता है, राइट। तो ये आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने से आपके पास 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 2 2 4 और 4 एकम 4, तो 1 1 आ जाएगा। तो 11 की पावर 1/4 आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके सॉल्व करने। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो पावर है वो क्या, सेम है, राइट। अगर पावर सेम हो तो बेस को हमें क्या करना चाहिए, आपस में क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और पावर एक बार लिख देना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 7 56 की पावर 1/2। यहाँ पे कौन सा रूल लागू हुआ, यहाँ पे उल्टा रूल लागू हुआ आपके पास। देखो बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे ए की पावर पी हो, यानी ऐसा कह सकते हैं, ए की पावर पी हो और यहाँ पे बी की पावर भी क्या हो, बी की पावर पी हो, तो बट विल हैपन, ए बी लिखकर आप क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रूल बन रहे हैं, और ये सारे रूल्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, 56 की पावर 1/2। तो राइट, तो यहाँ पे जो मैंने बेसिक रूल्स लिखे हुए, ये चारों रूल आपके एनसीईआरटी बुक में 1.6 शुरू करने से पहले आपके बुक में लिखा हुआ, मैंने कोई अलग से नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको गहराई से इन ये जो रूल्स हैं उसको स्टडी करने की आवश्यकता है। और अगर गहराई से आपको समझना है तो इससे मेरा पिछला वीडियो में आप जरूर जाए, उसको जरूर देखें। तो आपको ये जो पिछला वीडियो देखते ही आपके ये सारे सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और अभी भी ये सवाल आपको मैंने बिल्कुल रूल के साथ समझाया है ताकि आपको पिछले वीडियो से ज्यादा कंसर्न ना रहे, राइट। तो आई होप कि ये जो वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा भी लगा होगा, और प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपको जैसे बार बार कहता हूँ, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो ताकि उनको भी अधिक से अधिक फायदा मिल पाए। और प्लीज पूरी एनसीईआरटी को खत्म करने के लिए, है ना, हिंदी में पूरी एनसीईआरटी को खत्म करने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहो, और इसको आप सब्सक्राइब कर लो ताकि हम पूरी एनसीईआरटी बुक, राइट, हम इस चैनल पर, इस ब्लैक, इस व्हाइट बोर्ड पर हम खत्म करेंगे, राइट। थैंक यू।